देखिए, 8 तारीख से आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो गई है। अब तक जिन पार्टियों ने इसका वायलेशन किया है उसमें 5 मुकदमे कायम किए गए हैं। 2 मुकदमे भुड़कुड़ा में किए गए हैं, 1 करन्ना में किया गया है, 1 कोतवाली शहर में किया गया और 1 जमनिया में किया गया है। इसके अलावा जो भी अब मिलेगा सबको सूचित भी कर दिया गया है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होने हैं। रही बात गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर के मुलजिम जेल में हैं और जो बाहर हैं उनमें गुंडा की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 36,660 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है बाउंड डाउन कराने के लिए, जिसमें 8,415 लोग जो है बाउंड डाउन करा दिए गए हैं। और जो भी हमारे यहाँ क्रिटिकल और वल्नरेबल क्षेत्र हैं उनका एरिया डोमिनेशन शुरू हो गया है। ज़िले में 4 कंपनियाँ आ गई हैं, 3 ITBP की और 1 BSF की कंपनी आ गई है। और ये 1 कंपनी सैदपुर में स्टेशन कर रही है, 1 शहर में कर रही है, 1 मोहम्मदाबाद में और 1 जमनिया में BSF की है। तो इस तरह से एरिया डोमिनेशन का भी काम चल रहा है, ताकि जो अराजक तत्व हैं, जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये भय पैदा हो और उन्हें संदेश चला जाए कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग डर रहे हैं उनके मन में विश्वास पैदा करना है कि वो खुलकर चुनाव में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना वोट डालें, जिससे वोट का परसेंटेज भी बढ़े और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये सफल हो सके। जनपद गाजीपुर में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा और 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन होंगे। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 21 तक विड्राल हो सकेगा और 7 मार्च को इलेक्शन की तिथि निर्धारित है। सर, ऐसे में अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तैयारियां की, तो किस तरह की तैयारियां की गई अभी तक? सर, बहुत सारे वाल और क्रिटिकल इस तरह के बूथ हैं, संख्या क्या होगी और सर किस तरह की क्या तैयारियां? जनपद गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल, निष्पक्ष, त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए हमारी टीम, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके तहत हम और हमारी पूरी टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के भी टच में हैं, पूरे जनपद के कोने कोने से हमारे पास सूचनाएँ आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारी टीमें इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में सफल हो सकें। इसके लिए हम कोई कोर कोताही नहीं बरतेंगे, ना हम गलत करेंगे, ना हम किसी को गलत करने देंगे। मतदान केंद्रों पर, मतदेय स्थलों पर, चुनाव के दौरान पोल डे पर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, क्रिटिकलिटी की, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ अब तक 139 ऐसे वल्नरेबल हेलमेट्स और मोहल्ले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक 449 ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम लोग कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे और कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो भी गई हैं। कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, वो चाहे गुंडा एक्ट की हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की हो, या आर्म्स एक्ट के तहत हो, या CRPC की धाराओं के तहत हो, ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनपद में 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, 7 विधानसभाओं में और 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी। जनपद में किसी भी स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। सर, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हर साल की, मतलब हर चुनाव के अपेक्षा इस बार क्या मतदान स्थिति रहेगी और कितने सर मतदाता बढ़े और संख्या क्या है? चूँकि इस बार पिछले चुनाव के अपेक्षा अभी जो SSR हुआ, समरी रिवीजन हुआ, स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, उसमें हमारे जनपद में वास्तविक रूप में कुल 1,38,000 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। पिछले 3 चुनाव का अगर हम एनालिसिस करें, 2019, 2017, 2014, तो 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 58% वोटिंग हुई थी। 2017 के इलेक्शन में 59% वोटिंग हुई थी और 2014 के इलेक्शन में 55% वोटिंग हुई थी। इसमें 7 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा, सबसे कम वोटिंग जो हुई वो जमनिया में हुई। तो हमारा ये फोकस है इस बार, हम स्वीप की टीमें हमारी लगातार प्रयास कर रही हैं। अधिसूचना जारी होने के पहले हमने 4 LED वैन्स हमारे लगातार प्रयास कर रहे थे जनपद में भिन्न भिन्न बूथों पर जाने के लिए, एक हमारे कार्यक्रम हमारा जारी हुआ था। इसके अलावा हमारी EVMs का डिमॉन्स्ट्रेशन टीम लगातार जा रही थी, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी हर विधानसभा मुख्यालय पर और जनपद मुख्यालय पर। हमारा ये प्रयास है
कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत हो जनपद में वो 70% से कम न होने पाए पिछले 3 चुनाव के दशक रखते हुए। सर इस बार आपने एक चीज बताई कि ऑनलाइन भी नामांकन होगा। जी, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार ये सुविधा दी है, सुविधा पोर्टल पर जाकर वो अपना ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। सर चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन करने वाले अराजक तत्वों के लिए किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन? नोटिफिकेशन 8 जनवरी को हो चुका है और भारत निर्वाचन आयोग की नोटिफिकेशन के पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। फिर भी यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी लेवल पर हुआ, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने किया या किसी आम जनमानस ने किया या किसी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट ने फ्यूचर में किया, तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई सर गैंगस्टर अकाउंट? अभी 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जनपद में और लगातार हम और हमारी टीमें, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, लगातार फील्ड में विजिट कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आदर्श आचार संहिता का किसी भी रूप में उल्लंघन होता हो। सर आपने भी बताया कि महिला स्पेशल बूथ ही बनाया गया है, किस तरह का है और क्या कार्य होगा इस पर? ऐसे बूथ हमने चिन्हित किए हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। ऐसे 2-2 बूथ चिन्हित किए गए हैं प्रत्येक विधानसभा में और वो फीमेल वोटर्स के लिए समर्पित होंगे। उसमें किस तरह के कर्मी उसमें लगे? वहाँ केवल और केवल फीमेल कर्मी ही रहेंगे, वहाँ पीठासीन, मतदान, सारे जो भी पूरी टीम लगती है वो सब फीमेल ही होंगी। सुरक्षित और सेफ मतदान कराने के लिए सर किस तरह की व्यवस्था, क्या तीसरी आंख की व्यवस्था है? हाँ, वेबकास्टिंग भी हम कराने की व्यवस्था बना रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। 3040 बूथ हैं अभी तक हमारी जो व्यवस्था है, 50% बूथों पर हम CCTV कैमरे लगवाने जा रहे हैं। अभी हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सारे मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करा सकें, एस्टेब्लिश करा सकें। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम होगा जनपद में, और यदि किसी भी बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी करेगा या सोचेगा भी, तो CCTV कैमरे में कैद हो जाएगा और वो बेनकाब हो जाएगा। इसलिए ये CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है और वेबकास्टिंग की व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे। सर ये ब्लैक मनी जैसे लोग कितनी चेकिंग शुरू हो गई है, कितने तक पैसे लोग ले जा सकते हैं जनमानस को बता? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की है वो है 40 लाख रुपये। ये जब हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उस समय लागू होगा। फिलहाल अभी कोई भी व्यक्ति जो नगद कैश लेके चल रहा है, कृपया नगद कैश लेके न चलें। नगद कैश लेके चलते हुए अगर पकड़े गए तो निश्चित रूप से न केवल आयकर विभाग की टीमें कार्रवाई करेंगी बल्कि जब्तीकरण भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न करें, कोई भी आवागमन पैसे लेकर के न करें कि जिससे उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 विधानसभाएं मोहम्मदाबाद और जमानिया ये बिहार बॉर्डर को टच करती हैं, बिहार के बक्सर, भभुआ, कैमूर जिलों की सीमाओं से टच होती हैं। उन सीमाओं पर हमारे कुल 45 मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों पर हम लोगों की विशेष व्यवस्था रहेगी। हमारी जो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं वो लगातार बॉर्डर की टीमों पर चक्रमण कर रही हैं। आपने देखा होगा कि SP साहब स्वयं भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बॉर्डर के साथ साथ हम इंटरनली भी एक्टिव हैं, सेंसिटाइज किए हुए हैं लोगों को और लगातार इसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की MCC का उल्लंघन कोई ना करने पाए। धन्यवाद सर।